अभी कैप वन का कौन सा लेक्चर था? सेवन था ना? सेवन। मैं ही कह रहा हूँ दुरूद शरीफ पढ़ने और पेज नंबर अगले पे इधर सेशन टू कर दें। अच्छा होमवर्क दे दिया था मैंने, होमवर्क दे दिया था, ठीक है होमवर्क दे दिया था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज और एक्चुअल कॉस्ट इनटू परचेज। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है सवाल में? 12 इनटू एक्चुअल कितने किलो खरीदे? 25,000 400 माइनस एक्चुअली कितने का खरीदा? 10 रुपए का 25,400 800 नेगेटिव पॉजिटिव। मटेरियल यूजेज या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ₹12 इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है कि जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल किलो लगने चाहिए थे। तो एक के लिए 4 किलो तो 6,000 के लिए 24,000। अच्छा एसक्यू निकालने के लिए एक फार्मूला अपने पास लिख लें, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू वो जो स्टैंडर्ड में किलो लिखे हुए हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू जो स्टैंडर्ड कार्ड में किलो लिखे हुए हैं। एसक्यू के लिए बता रहा हूं एक्चुअल फिनिश गुड्स प्रोडक्शन इनटू जितने किलो ऊपर स्टैंडर्ड कार्ड में लिखे हैं, 6,000 इनटू 4 किलो। एसक्यू है 6,000 यूनिट्स इनटू जो ऊपर 4 किलो लिखे हैं स्टैंडर्ड में माइनस 12 इनटू कितने किलो एक्चुअली यूज हुए? 25,000 12,000 नेगेटिव। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एसक्यू माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज प्लस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल के किलो इनटू। ये पता है 12 इनटू 24,000। ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं पता, इतना तो पता चल रहा है कि परचेजेस और यूजेज में फर्क है लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता। जितना खरीदा उससे कम इस्तेमाल किया तो जो बाकी रह गया वो क्लोजिंग ही होगा क्योंकि है ही नहीं, ओपनिंग का पता ही नहीं। तो ओपनिंग नहीं है, ये हो गया 10 इंटू 25,400 माइनस 400 किलो इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। दोबारा सुने, परचेजेस तो पता है 10 रुपए इंटू 25,400 लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग आपको नहीं पता। ये पता है कि परचेजेस 25,400 किलो है, ये पता है कि यूजेज 25,000 है, ओपनिंग भी नहीं पता क्लोजिंग भी नहीं पता, दो अननोन है क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग है एक को जीरो ही मानना पड़ेगा। तो क्लोजिंग जीरो मान लें नहीं क्योंकि जो खरीदा उससे कम इस्तेमाल हुआ है तो क्लोजिंग जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो है फिर और ये 400। तो ओपनिंग नहीं है और क्लोजिंग 400 है और इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट 12 रुपए। इसका आंसर आ गया
3880 पॉजिटिव, ये डिसीजन टू का आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों को ऐड करने से भी यही आता है, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बनेगा। क्या जी, क्या हाँ यार, लिखा हुआ है जब तो अज्यूम करने की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट में लिखा तो हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट में ना लिखा होता तो वो तो कल मैंने बताया था कि ए और बी नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट बी है। इस कैलकुलेशन में बताइए किसी फिगर पे कोई एतराज, अच्छा मटेरियल के वेरिएंसेस पे ये क्लोज करने से पहले एक बार फिर सुन लें, प्राइस वेरिएंस होता है, बल्कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है कि जितनी फिनिश गुड्स प्रोडक्शन हुई उस पर कितनी मटेरियल कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी मटेरियल कॉस्ट लगी। दो वजह हैं, या तो प्राइस जो सोची थी वो नहीं मिली, या क्वांटिटी जो सोची थी वो नहीं लगी। तो जितना फर्क प्राइस के चेंज होने की वजह से है वो प्राइस वेरिएंस है, और जितना मटेरियल के किलोज कम ज्यादा लगने की वजह से है वो मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस है। फार्मूला प्राइस वेरिएंस निकालते हुए क्वांटिटी एक्चुअल है, रेट्स का फर्क, क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हुए रेट स्टैंडर्ड है, क्वांटिटीज का फर्क। प्राइस वेरिएंस में हमने किसका फर्क लेना है, प्राइस वेरिएंस, प्राइस का, और स्टैंडर्ड पहले माइनस है एक्चुअल बाद में, क्वांटिटीज सेम रखनी है। क्वांटिटी का फर्क लेते हुए क्वांटिटीज का फर्क लेना है, प्राइस सेम रखनी है, और जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो इन दोनों को ऐड करके भी आ जाएगा, और उसका अपना फार्मूला भी है। ये अपना फार्मूला क्यों बताया, हो सकता है सवाल में आपको तीन चार वेरिएंस नाम लेके पूछे हो, बस उनमें ये दो ना हो, वही हो सकता है सवाल हो, कहा हो कि जी लेबर रेट वेरिएंस निकाल दें, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल दें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दें, बस तो ये दोनों तो पूछे ही नहीं, तो फिर वो कैसे निकालें, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला बताया था, और वैसे इन दोनों को निकाल लिया हुआ है तो इनको ऐड करके वो निकल आएगा। अच्छा, अब ये तीन वेरिएंस नहीं है, अगर कहा जाता ना मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल दें तो ये दो हैं, इसी का तो ये दो टुकड़े हैं, ये अलग से कोई तीन वेरिएंस नहीं है, इसके ये दो टुकड़े हैं। हमने मटेरियल के अंदर जो फर्क आया था उसको फर्दर एनालाइज किया है, तो ये तीन अलग अलग चीजें नहीं है, पहले ही के दो टुकड़े ये हैं। अगर तो आपको नाम लेके वेरिएंसेस पूछे जाते हैं तो जो नाम लेके वेरिएंस पूछा है वो निकालना है, जैसे मैंने इसकी रिक्वायरमेंट में रखा था, और अगर वैसे ही बस हम सिर्फ वेरिएंसेस निकाल रहे होंगे, बस वेरिएंसेस निकाल लें, तो ये दो क्योंकि इसके टुकड़े ये दो हैं, तो एक्चुअली वेरियस एनालिसिस यही है। जब मैं आपको आगे चल के रिकंसिलिएशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे उसमें हम ये दो ही लिखा करेंगे, वो नहीं होगा, ये तब अगर नाम लेके पूछा है तो, अदरवाइज जब वेरिएंस एनालिसिस हम कर रहे हैं तो असल में हम ये कर रहे हैं। लेकिन ये बात अभी शायद टू अर्ली है, रिकंसिलिएशन के बताते हुए ये बात दोहरा दूंगा, कुछ नहीं कहा मैंने। ये तीन फार्मूले हैं, इन तीन फार्मूलों की कैलकुलेशन में कौन सी फिगर कैसे कैलकुलेट होगी, इसमें कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछे, मैंने कल भी इस पर टाइम लगाया था कि आप पूछ लें जो पूछना है। जी क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी थी ना, कंपनी की पॉलिसी थी कि वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना चाहते हैं, कंपनी की पॉलिसी है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मेथड होते हैं ना, फाइफ ओ रखना है, एफ ओ रखना है, उसी तरह से एक मेथड हो सकता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर वैल्यू करना है, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन की एक पॉलिसी है, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया। ये कंपनी की पॉलिसी थी कि हमने इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना है। केस वन में तो इस चीज की जरूरत ही नहीं थी कि परचेज है कि यूज है, क्योंकि केस वन में परचेज यूज बराबर थे, उसमें हमें ये डिस्कशन ही नहीं करनी पड़ी, जरूरत ही नहीं करनी पड़ी कि इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट किस पे है, जरूरत नहीं थी केस वन में। इसमें जरूरत पड़ी क्योंकि देखना पड़ेगा कि इस फार्मूले में परचेज आना है कि नहीं आना। मैं अभी सिनेरियो बी बताता हूं ना, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जो पूछना चाह रहे हैं। ये मैंने भी बात समझाई नहीं थी कि इसका क्या मतलब है द टाइम ऑफ परचेज का, ये भी बात समझाई नहीं थी, अभी बस अंग्रेजी लिखी हुई है। इन वैल्यूज में कोई एतराज परेशानी है तो बताइए। नहीं,
प्रोसेस और मार्जिन एब्जॉर्प्शन, नहीं कल तो मार्जिन एब्जॉर्प्शन का ना, अगले वीक का मिड टर्म बता रहा हूँ, प्रोसेस और मार्जिन एब्जॉर्प्शन, ठीक, थोड़ा सा वेरियंस, थोड़ा सा आसान सा है जी, वो कल एफ में आ जाना भाई आज से सुबह, ठीक है, प्रोसेस और मार्जिन एब्जॉर्प्शन। केस वन में ये तीन फार्मूले थे, केस वन परचेज और यूज क्वांटिटी बराबर है, प्राइस वेरियंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यूजेज वेरियंस कॉस्ट स्टैंडर्ड है, एसक्यू और एक्यू है, और अगर केस टू है तो कैसे पहचानेंगे, परचेज यूज या मटीरियल के किलो बराबर नहीं है। इसमें फिर आगे दो बातें देखनी पड़ेंगी कि ए है कि बी है। ए क्या है, कंपनी की पॉलिसी कि वो क्लोजिंग रॉ मटेरियल को किस रेट पे मल्टीप्लाई करके बैलेंस शीट में लिखते होंगे, अगर वो फाइफो वेटेड एवरेज लगाते होंगे तो एक्चुअल है, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो ये कंपनी की इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड है, ये कंपनी की मर्जी के वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट रखना चाहे कंपनी की मर्जी, तो ये सिनेरियो है। इस सिनेरियो के ये तीन फार्मूले आपको मैंने करा दिए। अब ये सिनेरियो बी बताता हूं, सिनेरियो बी में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, इस पर ना ज़्यादा बहस, उस पर ना बड़ी बहस हो गई है, तो मैं ड्राइव करके दे रहा हूँ, बस मान लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, इस पर दो दिन लगा दिए मैंने मटेरियल पे, फार्मूले बस मान लेना है इसे। इसका फार्मूला कल क्या पढ़ा था, ये लिखा भी हुआ है इधर, ये किया था, और इसको फिर दो में तोड़ा है, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी। अगर कंपनी की पॉलिसी है कि इन्वेंटरी को वैल्यू करना है एक्चुअल कॉस्ट पे, ये हो जाएगा है? तीनों के साथ एक्चुअल कॉस्ट ही लग रही है, ब्रैकेट को ये चीज बन गई, देखें तीनों के साथ एक्चुअल कॉस्ट लग रही है, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, तो इस ब्रैकेट का मतलब यही है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इस सिनेरियो में फार्मूला हो जाएगा ये, नहीं करना ऊपर, नहीं करना है ऊपर, करना तो वो लिखा हुआ है, मैंने ऊपर देखना है, वो देख लें, यूज्ड। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहां से नजर आ रहा है कि वो है ही यूज्ड की वजह से, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला यूज्ड की वजह से ही वेरिएंस आ रहा है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो दोनों फार्मूलों में एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही लेंगे, तो जाना पड़ेगा, ठहरे, ब्रैकेट कौन सी, ये एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, तो कॉमन ले लें तो पीछे रह गए ओपनिंग के किलो, परचेज के किलो, माइनस क्लोजिंग के किलो, तो यूज के किलो हो गए इनटू एक्चुअल कॉस्ट। तो अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरियंस अगर ऐसे निकालेंगे, और इस फार्मूले में नजर आ रहा है कि एक्चुअल क्वांटिटी यूज ही की वजह से वेरियंस है, तो जब इनको दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, तो उन दोनों में हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड लेंगे, प्राइस वेरिएंस में भी यूज्ड और इसमें तो है यूज्ड। कल वाले सिनेरियो ए में क्या कर रहे थे, प्राइस वेरिएंस में परचेज, यूजेज में तो यूज था, लेकिन अब सिनेरियो बी में प्राइस वेरिएंस में भी यूज आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो असल लॉजिक है ना वो यहां छुपी हुई है इसमें, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की प्रॉपर डबल एंट्रीज नहीं है आपके स्कोप में। मैंने आपको कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन बताई थी, प्रोसेस कॉस्टिंग के जब एंट्रीज बताई है ना, तो मैंने चैप्टर के नोट्स सिर्फ पहला पेज पढ़ाया था आपको, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन नाम था उसका, तो वो एक नॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज है, स्टैंडर्ड कॉस्ट की भी एंट्रीज होती हैं,
लेकिन वो कुछ डिटेल एंट्रीज आपके स्कोप में नहीं है। आईकेट की बुक में इनका थोड़ा बहुत सलाम दुआ जरूर है, लेकिन प्रॉपर एंट्रीज का टॉपिक नहीं है चैप्टर के अंदर। आपके स्कोप में बस कैलकुलेशन ही है इसकी। तो ये जो मैंने आपको बात यहां समझाने की कोशिश की है, इसकी असल लॉजिक तो जब पूरी डिटेल एंट्रीज पढ़ेंगे तो ही समझ आएंगी, वो हमने पढ़नी नहीं है। इसलिए जितनी को समझाने के लिए बता सकता था वो रीजन बताया है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नजर आ रहा है कि बस यूज्ड की वजह से है, तो इसलिए इसको जब प्राइस वेरिएंस में तोड़ेंगे, क्वांटिटी वेरिएंस में तोड़ेंगे, तो उनमें भी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही इस्तेमाल होगी। ये है जी केस टू का सिनेरियो बी, के कॉस्ट वेरिएंस का ये फार्मूला है और प्राइस वेरिएंस का ये फार्मूला। प्राइस वेरिएंस के फार्मूले हैं ये। इलस्ट्रेशन टू दोबारा सॉल्व कर दें, अज्यूमिंग के इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। जी बिल्कुल शाबाशी, जो केस वन था वही फार्मूले, बस एक यू के साथ यूज लग गया। इलस्ट्रेशन टू दोबारा सॉल्व करते हैं, अब की बार अज्यूमिंग के इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट। हाँ जी डन, क्या आंसर आया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर 12 रुपए इंटू 24,000 माइनस 10 इंटू 25,000। 38 पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 12 इंटू 25,000 10 इंटू 25,000 50,000 पॉजिटिव, और यूजेज वेरियंस तो पहले भी यूज पे ही था। यूजेज वेरियंस वही है, वो तो पहले भी यूज पे ही था, तो वो वही 12,000 नेगेटिव है।
हाँ जी ओके। अच्छा ये जो मैंने यहाँ ड्राइव किया था ना, अगर किसी ने उसको समझने की कोशिश की और समझ नहीं आया, चले एक और तरह से बताता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की एंट्रीज हैं, यानी पूरी डिटेल्ड एंट्रीज आपके लिए नहीं है वो, लेकिन जिन्होंने इसको समझने की कोशिश की थी, और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो या तो ये फार्मूले ही करने हैं, या तो ये फार्मूले ही करने हैं। ऐसी नॉलेज के लिए एक बात और ट्राई करता हूं। ये जो यहां लिखा हुआ ना ब्रैकेट के अंदर, ये कंपनी की पॉलिसीज हैं और ये चीज इससे कनेक्टेड है। यानी अगर कंपनी ने ये करना है तो उसको प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम करनी पड़ती होगी, और अगर कंपनी ने एंड पे ये करना है तो उसको प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम करनी पड़ती होगी। ये जो हम लोग वेरियंसेस पढ़ रहे हैं ना, इनकी भी बकायदा एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड कॉस्ट्स को यूज करके मटीरियल इशू, लेबर चार्ज करना, वो जो सारी काम थे, मटीरियल परचेज इशू, लेबर को रिकॉर्ड करना, चार्ज करना, ओवरहेड एक्चुअल अप्लाइड, अंडर ओवर अप्लाइड, इन सब की एंट्री स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी होती हैं, और फिर वेरियंसेस की भी एंट्रीज होती हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, हमारे स्कोप में नहीं है, हमारे स्कोप में कैलकुलेशन है। अगर कंपनी ने ये वाली पॉलिसी करनी होती होगी तो उसको ये इसकी एंट्री इस टाइम ही करनी पड़ती होगी। एक सिस्टम है ना, क्यों भी सिस्टम एक सिस्टम है ना एक। तो अगर कंपनी ने ये वाली पॉलिसी रखनी है तो कंपनी को इसकी एंट्री इस टाइम ही करनी पड़ती होगी, और अगर कंपनी ने वैल्यूएशन मेथड ये रखना है तो उनको इसकी एंट्री इस टाइम ही करनी पड़ती होगी। ये प्रोसीजर का हिस्सा है, ये करनी पड़ती होगी। मैं आपको इन जुमलों का मतलब सिर्फ ये फार्मूलों को जस्टिफाई करने के लिए बता रहा हूं। अगर मटेरियल प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम पे करनी है तो इसका मतलब है कि इसको कैलकुलेट भी एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड के तौर पे करना है। प्राइस वेरियंस अगर रिकॉर्ड इस टाइम पे करना है, अगर प्राइस वेरियंस की एंट्री परचेज की एंट्री करते हुए करनी है तो प्राइस वेरियंस कैलकुलेट करते हुए क्वांटिटी भी परचेज लेनी है। देखिए परचेज डाली, और अगर मटेरियल प्राइस वेरियंस की एंट्री इश्यूएंस के टाइम पे करनी है तो प्राइस वेरियंस की कैलकुलेशन करते हुए मटेरियल भी यूज लेना चाहिए। देखें यूज लिया हो है, इशू से किधर है, कौन है इशू, मतलब मटेरियल इशू करना प्रोडक्शन को, मटेरियल यूज करना, रॉ मटेरियल स्टोर से मटेरियल इशू करना प्रोडक्शन को, मतलब यूज करना। तो अगर कंपनी ने वैल्यूएशन का मेथड ये रखना है ना तो उनको प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम पे ही करनी होगी, तो ही एंड रिजल्ट ये निकल सकेगा। अगर कंपनी को वैल्यूएशन मेथड ये करना है तो उनको इसकी एंट्री इस टाइम पे ही करनी पड़ेगी। ये पूरे प्रोसीजर का हिस्सा है। मैं तो आपको सिर्फ फार्मूले रिलेट करने की जस्टिफिकेशन एक और एंगल से दे रहा हूं कि अगर प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम करनी है तो फिर वो कैलकुलेट भी इसके ऊपर करना है, और अगर प्राइस वेरियंस की एंट्री इस टाइम करनी है तो फिर उसको कैलकुलेट भी इसके ऊपर करना, और अगर नहीं फिर भी तो फार्मूले यही हैं, ये याद करने हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज डन। अब इस मेहनत को मैं आगे लेबर पे और ओवरहेड पे अप्लाई करने लगा हूं जी। ये क्या हो रहा है, ये मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दी, बोलिए आप। एंट्री तो साथ साथ हो रही होती है, वेरियंस की एंट्रीज की बात कर रहे हैं। वेरियंस की तो पीरियड एंड पे ही होंगी, जब पीरियड महीना साल एंड होगा ना, वेरियंस की एंट्रीज तब होंगी। लेकिन अगर कंपनी की पॉलिसी है कि नहीं हमने वेरियंस परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड करना है, फिर मटेरियल प्राइस वेरियंस के साथ साथ हो रही होंगी, बाकी वेरियंसेस एंड पे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अगर प्राइस वेरियंस की एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज करनी है तो फिर वो उस वक्त हो रही होगी एंट्री, उस वक्त एंट्री करेंगे। मटेरियल वेरियंसेस डन। लेबर के वेरियंसेस पे आते हैं। लाइट, मटेरियल में था किलो और रुपए पर किलो, लेबर में क्या होगा, आर्स और रुपीस पर आर। जिस तरह मटेरियल के प्राइस का वेरियंस होता है, लेबर के रेट का वेरियंस होता है। जिस तरह मटेरियल के क्वांटिटी का वेरियंस होता है, लेबर के आर्स का वेरियंस होता है। लेकिन उसको नाम आर्स वेरियंस नहीं देते, लेबर कम आर्स लगाए ज्यादा आर्स लगाए इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो जैसे लेबर मटेरियल का प्राइस वेरियंस होता है, वैसे लेबर का रेट वेरियंस होता है।
और जैसे मटेरियल का यूजेज वेरियंस होता है, लेबर का एफिशिएंसी वेरियंस होता है। लेबर के वेरियंसेस के लिए केसेस हैं, पेज नंबर मैं हूं इस वक्त 2 पे, लाइट केस 1। लेबर के वेरियंसेस में केस 1 ये है कि आइडल टाइम का हिसाब नहीं रखा गया। आइडल टाइम से क्या मुराद है? आइडल टाइम से मुराद ये है कि जिसमें वर्कर काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, एक तो है ना ब्रेक दी है वर्कर को, वो नहीं आइडल टाइम। आइडल टाइम कहते हैं कि जिस टाइम के वर्कर को पैसे दिए जा रहे हैं उस दौरान वो काम नहीं कर पा रहा, वर्कर का कसूर नहीं है। या तो हम उसको काम दे ही नहीं रहे, या जैसे अभी इस वक्त ये लाइट 2-4 दफा जाती है तो काम में ब्रेक आ जाता है ना। ये लाइट, ये तो खैर चलो लाइट ही है, सिर्फ कैमरा है, मशीन है, वो लाइट जाके जब स्विच ओवर होता होगा तो हो सकता है दोबारा ऑन करने में 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता हो। तो आइडल टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिसके वर्कर को पैसे मिलने हैं लेकिन उस टाइम में वो काम नहीं कर पा रहा। वर्कर की सुस्ती नहीं है, हम उसको काम ही नहीं दे रहे, हो सकता है पावर फेलियर है, हो सकता है डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो इसको आइडल टाइम कहते हैं कि उसके पैसे देने हैं वर्कर को लेकिन उस टाइम वो काम नहीं कर पा रहा, ये होता है आइडल टाइम। पूरे साल में कितना टाइम इस तरह जाया हुआ पता ही नहीं। तो फिर अजम्पशन ये हुई कि जितने काम के पैसे दिए उतना फिर काम भी हुआ, यानी आर वर्क आर पेड बराबर है। दोबारा सुने, लेबर का एक केस ये है कि जितने टाइम लेबर को हमने हायर करके पैसे देने हैं उतने टाइम में वो काम भी कर रहा है। या तो ये कह लेते हैं कि टाइम जाया हुआ ही नहीं, या फिर पता ही नहीं कितना टाइम जाया हुआ। अगर पता ही नहीं कितना टाइम जाया हुआ तो बस फिर कोई टाइम जाया नहीं हुआ, जितने टाइम उसने काम किया उतने ही टाइम को उसको पैसे मिले। इन अदर वर्ड, जितने टाइम के उनको पैसे मिल रहे हैं वो सारा टाइम काम करते रहे, ये केस 1 है। और केस 2 ये है कि पता है कितना टाइम जाया हुआ। अब जब पता है कितना टाइम जाया हुआ तो हमें फिर ये पता है कि आज वर्क और पेड बराबर नहीं है। देखें, पूरे साल में वर्कर से हमने 15,000 घंटे काम लिया लेकिन 1,000 घंटे जाया होने की वजह से उनको हमने पैसे 16,000 घंटे के दिए। अब कैसे पता 1,000 घंटे जाया हुए? रिकॉर्ड रखा है तो पता है ना 1,000 घंटे जाया हुए। तो ये केस 2 है। केस 1 केस 2 में फर्क, केस 1 क्या है कि आइडल टाइम नहीं है यानी आवर्स वर्क्ड और आवर्स पेड बराबर है। केस 2 क्या है? आइडल टाइम है यानी आवर्स पेड ज्यादा है, आवर्स वर्क्ड कम है। या उल्टा बोल दिया, आवर्स पेड ज्यादा है आवर्स वर्क कम है, या आवर्स वर्क ज्यादा है आवर्स पेड कम है। आवर्स पेड ज्यादा है क्योंकि टाइम जाया हुआ है, काम कम हो सका है। तो ये 2 केस है, 2 केस। ओके, चलिए पहले केस पे आते हैं। इसको भी इग्नोर करें, यहां ना देखें, इधर मटेरियल का सादा सा केस। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरियंस बिल्कुल सादा, केस 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। वहां नहीं देखिए, इधर रखिएगा। लेबर के बनाते हैं फार्मूले। लेबर कॉस्ट वेरियंस का क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट होता है, लेबर में रेट बोलते हैं, इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। ये जैसे मटेरियल में प्राइस वेरिएंस होता था इसको रेट वेरिएंस कहते हैं, जैसे मटेरियल में क्वांटिटी वेरिएंस था इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। क्योंकि आर्स कितने लगने चाहिए थे, कितने आर्स लगे, तो ये एफिशिएंसी है ना, तो इसको एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। तो जो मटेरियल के वेरियंसेस थे बिल्कुल बस एब्रीवेशन बदल गई, कॉन्सेप्ट वही है। ये 3 वेरियंसेज दिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए टोटल कितने किलो लगने चाहिए थे,
जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने टोटल आर्ड लगने चाहिए। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था कि एसक्यू ऐसे निकालेंगे कि एक्चुअल फिनिश गुड्स इनटू वो स्टैंडर्ड वाली किलो, मुझे स्टैंडर्ड में लिखे हुए, तो एसएच कैसे निकालेंगे, एक्चुअल फिनिश गुड्स के यूनिट्स इनटू वो जो स्टैंडर्ड कार्ड में आर लिखे हुए। ये करें सॉल्व, इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करें, इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व कर दें। हाँ जी, स्टैंडर्ड कार्ड में हमने रखा हुआ था कि एक मिनट बनाने के लिए करना ऑफ,
एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए और 200 रुपए पर आर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड कार्ड शुरू में बना के दिया था मैंने, मटेरियल की लाइन, लेबर। तो मैं क्योंकि पढ़ा भी लेबर रहा हूं, तो बस लेबर वाली लाइन उठाई है मैंने वहां से। ये स्टैंडर्ड रखा हुआ था। एक्चुअली ये हुआ कि 4000 यूनिट्स बने और उनके लिए इतने घंटे एक्चुअली काम हुआ, और जो असल में वेज रेट देना पड़ा वो जो सोचा था उससे 2.5% कम में काम बन गया, लोअर देन स्टैंडर्ड। तो वो 100 है, जिससे होता है वो 100 होता है। तो असल में वेज रेट क्या हुआ फिर, तो लेबर कॉस्ट वेरियंस हो गई स्टैंडर्ड रेट 200 रुपए इंटू स्टैंडर्ड आर्स। ए के लिए 4 लगने चाहिए थे, तो 4000 के लिए 16000 माइनस एक्चुअल रेट 195। ये 195 देखें जिसको ना समझ आया हो, 200 बेसिक रेट था, इससे हमें 2.5% सस्ते में काम चल गया, यानी 97.5% पे काम चल गया। 195 इंटू एक्चुअल कितने आर्ड लगे, 3.4। ये लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस। स्टैंडर्ड रेट 200 इंटू एक्चुअल आर्स 14800 माइनस एक्चुअल रेट 195 इंटू 14800 74000 पॉजिटिव। और लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आर्स इंटू 16000 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आर्स 240000। हाँ जी, सबसे डन। चलो ठीक, अभी तक मुश्किल नहीं है, फार्मूले याद करने पड़ेंगे, लेकिन फार्मूलों की कैलकुलेशन एग्जाम में है। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे भी नहीं होता, एग्जाम क्वेश्चन में मुश्किलें ये होती हैं कि आपको ये इतने आसानी से नहीं पता लगेंगे कि एक्चुअल वेज रेट क्या था, एक्चुअल आर्स कितने लगे, इनको पहचानने में मुश्किलें हो सकती हैं। तो ठीक है, एग्जाम प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं ना आपको सारे फार्मूले बता रहा हूँ और बेसिक से सवाल, ताकि उनको अप्लाई करना आ जाए, फिर एग्जाम लेवल पे जाएंगे। लेबर का दूसरा केस कैसे पहचान है, लाइट क्या पहचान है कि केस आने के केस हुए, दो तरीके हैं, या तो आज वर्क पेट दोनों बताए हुए हैं तो उनको कंपेयर करके पता चल जाएगा, अगर बराबर है तो केस वन है, डिफरेंट है तो केस टू है, या फिर आइडल टाइम की इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। आइडल टाइम समझ आया क्या था? है ना, पेड और वर्क में जो फर्क है आइडल टाइम। केस टू पे आते हैं। केस टू ये है कि वर्क और पेड बराबर नहीं है, यानी आइडल टाइम है। इसमें फिर दो सिनेरियो, ए और ये बी, दो सिनेरियो। केस टू देखना पड़ेगा फिर कौन सा सिनेरियो है। पहला सिनेरियो कि आइडल टाइम इज नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये समझाता हूं उससे मुराद क्या है। जैसे मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है, तो दोनों लॉस ही। नॉर्मल और एबनॉर्मल में फर्क क्या है कि नॉर्मल हमने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि ये तो होता ही होता है जाया, एबनॉर्मल जो उससे ज्यादा हो गया। कुछ इसी तरह से अगर हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि टाइम जाया होता ही होता है, क्यों होता ही होता है, हो सकता है बिजनेस की नेचर ही इस तरह की हो कि जब सुबह शिफ्ट शुरू होती हो मशीनें ऑन करने में आधा घंटा लगता ही लगता है, तो फिर हमें पता है कि मशीन ने स्टार्ट होने में टाइम लेना है, वर्कर का तो टाइम चल रहा है, टाइम जाया हुआ करेगा। ये चीज इतनी नॉर्मल है कि हम इस टाइम जाया हुआ ही करेगा को आइडल स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में लिख चुके होंगे। ये बात दोबारा सुने, अगर टाइम जाया होना इतना नॉर्मल है कि हमें पता है टाइम जाया होता ही होता है, तो उसको स्टैंडर्ड कार्ड में ही लिख लिया होगा। कैसे लिख लिया होगा वो कल आएगी उसकी बारी, स्टैंडर्ड कार्ड में ही लिख लिया होगा। लेकिन अगर नॉर्मली टाइम जाया नहीं होता होता, बस किसी वजह से इस साल जाया हो गया, वरना नॉर्मली नहीं होता टाइम जाया, तो हमने स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हुए
टाइम जाया होना कंसिडर किया होगा? नहीं. ये मतलब है आइडल टाइम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कार्ड और आइडल टाइम इज मेड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कार्ड. अगर हमें एक यूनिट बनाने के लिए चार घंटे चाहिए और टाइम जाया नहीं होता, कोई लाइट का मसला नहीं है, कोई मशीनों की नेचर का मसला नहीं है, तो फिर टाइम जाया नहीं होना चाहिए. यह स्टैंडर्ड इग्नोरिंग टाइम जाया होना होगा. अगर फिर भी टाइम जाया हो गया तो चलो एक्चुअली हो गया तो हो गया, स्टैंडर्ड में हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि टाइम जाया हुआ करेगा. यह सिनेरियो ए है. लेकिन अगर प्रोडक्शन की नेचर ही ऐसी है कि हर पांच घंटे बाद मशीन को बंद करना पड़ेगा फिर दोबारा ऑन करना पड़ेगा, अगर नेचर ही ऐसी है कि हर पांच घंटे के लिए आधा घंटा मशीन बंद करनी होती है, तो हमें फिर स्टैंडर्ड कार्ड में इस चीज को अकोमोडेट करना पड़ेगा. कैसे? वो इसकी बारी कल आएगी. कल बताऊंगा कि कैसे स्टैंडर्ड कार्ड में बिल्ड करेंगे. लेकिन अभी ए और बी का फर्क समझिए कि अगर स्टैंडर्ड बनाते हुए आइडल टाइम को कंसिडर किया हुआ है और अगर नहीं किया हुआ तो ये, और ये दोनों में से कौन सा केस है सवाल में इजीली पहचान लेंगे. सवाल में कोई मुश्किल नहीं होगी इसके बारे में. पहले ये बताता हूं. अच्छा, अभी इधर देख के नहीं, यहां जवाब दीजिएगा. अब हम केस टू क्या पढ़ रहे हैं कि आर वर्क और पेड बराबर नहीं है. बराबर नहीं है. आर पेड कर लेते हैं 20,000 और आर वर्क कर लेते हैं 18,000, तो 2,000 आइडल टाइम. उधर नहीं, इधर लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेबर रेट वेरियंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने क्या वेज रेट सोचा था और एक्चुअली क्या वेज रेट पड़ा. इस फार्मूले में कौन से आर्स आने चाहिए? एक्चुअल आर्स कौन से आने चाहिए? ठहरे, मैं फार्मूले की शक्ल भी लिखूं ना. ये है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स. यहां पर स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स. चलिए, सवाल मेरा ये है कि हमने वेज रेट में क्या सोचा था, क्या हुआ? ये रेट वेरिएंस है. कौन सा इसमें आर्ट इस्तेमाल होने चाहिए? पेड. क्यों? क्योंकि हम वेज रेट 195 वाला दे ही किसको रहे हैं? पेड को. तो इसमें आर्स पेड इस्तेमाल होंगे. और एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है कि कितने घंटे काम करना चाहिए था, कितने घंटे काम किया, तो इसमें कौन से एक्चुअल आर्स आने चाहिए? वन. लाइट रेट वेरिएंस में आर्स पेड आएंगे और एफिशिएंसी वेरिएंस किधर गया? एफिशिएंसी वेरिएंस में आर्स वर्क आएंगे. रेट वेरिएंस में आर्स पेड. फार्मूले बेसिक यही थे, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स. लाइट बेसिक यही थे. लेबर रेट वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स. एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आर्स. और ये बार बार सवाल करके हो भी जाएंगे याद, लेकिन सवालों में याद करने का इंतजार मत करिएगा, आपने पहले करने हैं यार. अब क्या हुआ केस टू में कि आर्स वर्क्ड और पेड फर्क हो गए. अब जरूरत पड़ जाएगी देखने की कि एक्चुअल आर्स कौन से. तो रेट वेरिएंस में एक्चुअल आर्स कौन से? पेड. और एफिशिएंसी में वर्क. रेट वेरिएंस में पेड, एफिशिएंसी वेरिएंस में वर्क. एक और वेरिएंस निकलता है इसमें, उसको कहते हैं आइडल टाइम वेरिएंस. उसका ये फार्मूला है कि वर्क्ड और पेड में जो फर्क है इनटू स्टैंडर्ड रेट. आर्स वर्क्ड माइनस आर्स पेड. पेड माइनस वर्क नहीं, वर्क माइनस पेड. क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फार्मूले बुजुर्गों ने ऐसे डिजाइन किए हुए कि आंसर अगर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, नेगेटिव आया तो एडवर्स है. तो हम ज्यादा काम नहीं करवा सके उनसे, तो ये फेवरेबल बात है एडवर्स बात है? एडवर्स है. पैसे ज्यादा दे रहे हैं, काम कम हो रहा है, तो एडवर्स है. इसको इसलिए पीछे रखा है ताकि आंसर नेगेटिव आए. ये नुकसान वाली बात है ना कि काम कम हो सका है, तो ये एक एडवर्स चीज है. इसलिए फार्मूले में रखा है 18,000 माइनस 20,000. केस टू सिनेरियो ए. केस टू क्या है? आर्स वर्क और पेड बराबर नहीं है. सिनेरियो ए कि ये जो आइडल टाइम है ये स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है. क्यों हिस्सा नहीं है? क्योंकि नॉर्मली नहीं होता टाइम जाया. सिनेरियो बी, आइडल टाइम इतना कॉमन है कि उसको स्टैंडर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है. ये कल बताऊंगा. तो अगर सिनेरियो ए है ये फार्मूला है.
रेट वेरियंस, एफिशिएंसी वेरियंस और एक और आइडल टाइम वेरियंस, और इन तीनों को मिला दें तो लेबर कॉस्ट वेरियंस। और अगर डायरेक्टली लेबर कॉस्ट वेरियंस निकालनी हो तो पेड से। क्यों पेड से? क्योंकि कॉस्ट तो हमें उतनी पड़ेगी ना जितने पैसे देंगे। तो इसमें पेड है, रेट में पेड है, एफिशिएंसी में वर्क। इलस्ट्रेशन करके आइएगा। इलस्ट्रेशन फोर, इलस्ट्रेशन फोर करके आइएगा। है जी? हाँ यार, बुद्धू होती है ना। रूम वन शायद। बड़ा क्वेश्चन, छोटा भी आ सकता है। कॉस्ट में एमसीक्यूज नहीं होते। कॉस्ट में इस दफा इन्होंने ना सेक्शन ए भी कर दिए, तो सेक्शन ए जो है वो निस्बतन कम मार्क्स का सवाल है और सेक्शन बी बड़े मार्क्स का सवाल है। एमसीक्यूज नहीं होते कॉस्ट में। जो आता है वो करना चाहिए, कोई मसला नहीं। सारे चैप्टर्स दोनों सेक्शंस में हो सकते हैं। छोटा सवाल बनाना है तो सेक्शन ए में डाल देंगे, बड़ा सवाल बनाना तो बी में डाल देंगे। तो वेरियस का बड़ा सवाल हमने जो 5 नंबर का सवाल करना है, 20-20 नंबर का सवाल नहीं है इसके। कहां तक पहुंचा था भाई? कोई आखिरी बात अगर किसी को याद हो तो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि हया के बारे में बात हो रही थी। है? उसके बाद हुई थी बात। क्या बात हुई थी? हाँ, ठीक है। अच्छा, आपके जो दोस्तों यारों की गैदरिंग हैं, बिल्कुल फ्रैंक वाले दोस्त यार, अच्छे दोस्त, मुझे मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप उनसे क्या बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कैटेगरीज देखें, अगर कैटेगरीज देखें कि जो मैं उन बात कर रहा हूँ जो दोस्तों की महफिलें, कैटेगरीज देखें तो टॉप पे तो गंदी बातें नहीं। अच्छा चलो, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे। और क्या होता होगा? हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है एक्चुअली? पॉलिटिक्स में एक्चुअली नहीं, पॉलिटिक्स में एक्चुअली ना हम लोग जो जिसके हम हक में हैं उसकी फेवर बता रहे होंगे, और जिसके खिलाफ हैं उसको किसी भी तरह बस गलत साबित कर रहे होंगे, मतलब उस पर लानत ही साबित कर देंगे। ये तो लानत है, झूठ बोलना भी उसमें, झूठ भी बोल रहे होंगे बहुत सारे। अच्छा, उसके अलावा अगर शुगर लग रहा है तो आपस में एक दूसरे को चुगते लग रही हैं, और जिसको लग रही हैं फिर उसको लगती ही चली जा रही हैं, और जिसने जिंदगी में कभी जुगत नहीं लगाई उस दिन वो भी उसी को जुगत लगा रहा होगा। अच्छा, और अगर किसी की कोई राज की बात किसी को पता लग गई है तो वो सबको बता के उसका शुगर लग रहा होगा, नहीं? अच्छा चलें। फिर उसके अलावा अगर कोई अब किसी में अच्छी चेंज आ भी गई है तो उसको पास्ट याद दिला के ताने मारे जा रहे होंगे, है ना? अब उसमें अच्छी चेंज अगर आ गई है तो उसको पास्ट दिला के ताने ही पड़ेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, अपने आप। चलो ये तो मैंने दो चार मिसालें बता दी, लेकिन अच्छा गीतें हो रही होंगी, नहीं करते? अच्छा क्या करते हैं बताएं, मतलब अगर इनमें आप जवान लोग हैं, अगर आपकी इन टॉपिक पर डिस्कशन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई की बातें करते हैं। हैं? ये मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जिनमें बैठ के हंसी मजाक होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अब सिर्फ कैरियर डिस्कस कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, बहुत अच्छा लगा, बस कैरियर डिस्कस करके उठ जाते हैं। अच्छा चले, ये जो अगर जिनकी गैदरिंग में मेजोरिटी यही है जो मैंने लिस्ट दी है आपको, इब्ने माजा, इब्ने हिबान 192, सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, तो टॉन्ट करने वाला, लानत करने वाला, नाज़ेबा गुफ्तगू करने वाला, कोई भी इंडिसेंट बात, और फहश गोई करने वाला, गंदी बातें करने वाला नहीं होता।
मोमिन में ये चार बातें नहीं होती हैं, ताना, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला और फहज गोई करने वाला। ये अगर हमारी गैदरिंग्स के अंदर हैं तो इसका मतलब वो मोमिन वाली क्वालिटीज नहीं आ पा रही। अच्छा नहीं आ पा रही तो फिर अगर हम नमाजी हैं भी तो हमारी नमाजें हमें गुनाहों से कैसे बचाएंगी, फिर हमारा ईमान कैसे मजबूत होगा। तो अगर हमारी गैदरिंग्स में ये गंद है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि हंसी मजाक हो नहीं सकता, बिल्कुल हंसी मजाक इसके बगैर भी हो सकता है, इसके बगैर भी हंसी मजाक है, इसके बगैर भी डिस्कशन है।